उसके बाद आते हैं कलर्स में। कलर्स क्या क्या होता है और पावर ऑफ कलर्स क्या क्या है जो मेन चीज अट्रैक्ट करती है आपके डिजाइन को। तो जो बेसिकली कलर होता है, मेन कलर होता है, अगर आप प्रिंटिंग के हवाले से देखेंगे तो CMY के होते हैं, C को हम सियान कहते हैं, M को मजेंटा कहते हैं, Y को हम येलो कहते हैं, C को हम ब्लैक कहते हैं। अब जो हम लोग यूज करने वाले हैं, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं अपने डिजाइन में, वो RGB है। RGB कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। पर जो टर्म्स है अभी 5-6 साल पहले से, तो वो कुछ चेंज हो गई है। अब वो RGB से लेकर उसे उन्होंने रेड, येलो और ब्लू कर दिया कि RGB नहीं, आप जो RGB पढ़ा रहे थे वो गलत पढ़ा रहे थे। असल में ये तीन कलर हैं जिसकी वजह से सारे कलर बना के बनते हैं। सबसे पहले रेड है, देन येलो है, देन ब्लू है। ये क्या है? ये प्राइमरी कलर है, रेड, येलो, ब्लू। अब ये तीनों मिलाकर सारे के सारे कलर बनाते हैं, जितने भी आपके कलर बनते हैं। आपका ग्रीन हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, आपका पर्पल हो गया, ये सारे ये तीनों मिलाकर बनाते हैं। अब जब ये तीनों कलर आ गए, जब ये तीनों कलर आपके पास आ गए, रेड, येलो एंड ब्लू, तो वो फिर क्या बनाते हैं सेकेंडरी में जाके? ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। बनता कैसा ये देखें, इसने यहाँ से कलर प्रिंट लिया। अब ये कैसे बनेगी ये मैं आपको जब हम लेक्चर करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, यहाँ तक कैसे आया, ये रेड ग्रीन कैसे बना, ये ब्लू कैसे बना, पर्पल कैसे। फिलहाल जस्ट देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर कौन से। तो प्राइमरी कलर हमारे ग्रीन, सॉरी प्राइमरी कलर हमारे रेड, येलो एंड ब्लू, और सेकेंडरी कलर हमारे ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। जब ये दोनों कलर हमारे आ गए, ये हमारे पास सबसे पहले ये आ गया रेड, येलो एंड ब्लू, फिर हमने सेकेंडरी कलर को पुट कर दिए, तो हमने सारे के सारे यहाँ ऐड कर दिए। अब इनको फर्दर बढ़ाने के लिए, हमें और कलर चाहिए बढ़ाने के लिए, हम सबको मिक्स कर दिया। अब मिक्स कैसे होगा वो जब हम इलस्ट्रेटर करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा कि हम इसे दूसरे कलर कैसे बनाते हैं, ब्लेंड कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा कलर हम लोग कैसे बनाते हैं। जब हमने इन सबको ब्लेंड कर दिया तो ये सर्कल बन जाता है। अब इन सर्कल के अंदर सारे के सारे शेड आ जाएंगे। आपके मेन कलर कौन से थे? आपका मेन कलर था रेड, येलो एंड ब्लू। अब रेड, येलो, ब्लू के साथ ये सारा का सारा सर्कल बन गया आपका। अब ये कैसे बनेगा ये मैं आपको इलस्ट्रेटर पे जब हम आएंगे तो बताऊंगा कैसे बनेगा। और डिफरेंट डिफरेंट आपके जो कलर बनेंगे, आपको जो कलर के डिफरेंट स्कीम चाहिए, ब्लू से लेकर रेड तक, रेड से लेकर ग्रीन तक, आपको कौन कौन से कलर मिल जाएंगे, वो हम लोग इलस्ट्रेटर पे आएंगे तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। क्या अब यूज कैसे करना है? यूज ऐसे करना है, एक क्लाइंट का लोगो है, उस लोगो का कलर क्या है, तो मैं जो अपना डिजाइन एलिमेंट बनाऊंगा वो इन कलर को लेके ही बनाऊंगा। अब ये नहीं होगा कि अगर इस तरह का जो कलर है वो ग्रीन है, अब ग्रीन में उसे रेड ऐड कर दूं, रेड के साथ में ब्लू कर दूं, तो उसका लोगो कुछ और नजर आएगा और जो हम डिजाइन बनाएंगे वो कुछ और नजर आएगा। तो जरूरी है जब भी आप किसी के लिए डिजाइन बनाए तो उनके जो कलर होंगे उनके कलर यूज कीजिएगा। अब कलर ब्लेंड कैसे होंगे, डिफरेंट तीन चार कलर में कैसे जाएंगे, वो जब हम इलस्ट्रेटर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कलर को हम तीन चार चीजों में डिवाइड कैसे कर देंगे। अब यहाँ एक किसी ने डिजाइन बनाया है जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है। अब देखें, जो भी बंदा फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसकी आंखों को ही छुपेगा, और जाहिर सी बात है जब प्रिंट होगा तो इतना खास नजर भी नहीं आएगा क्योंकि उसने ब्लू बैकग्राउंड यूज किया है, ऊपर से उसने जो रेड यूज किया फॉन्ट वो कुछ ऐसा यूज किया जो बिल्कुल ही आपकी आंखों पे चुभ रहा है। अब क्लाइंट को जब भेजेंगे तो क्लाइंट आपसे वैसे ही कहेगा कि आपने क्या उठा के भेज दिया। कम से कम जो कलर है वो आपको वाइब्रेंट और अच्छे यूज कर रहे हैं, जो क्लाइंट को भी अच्छे लगे और आपको आपकी आंखों को भी अच्छे लगे। अब वो कैसे? अब सेम यही बैनर है, मैंने इसके लिए कलर यूज कर लीजिए। अब ये आपकी आंखों को नहीं चुभ रहा, थोड़ा मैंने ब्लू को उठा के थोड़ा पर्पल कर दिया, थोड़ा शेड उसका आउट कर दिया, इस रेड को मैंने थोड़ा उठा के थोड़ा रेड को थोड़ा उसका कलर जो है थोड़ा नॉर्मल कर दिया, तो अब ये आपकी आंखों पे नहीं चुभ रहा और थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। जब प्रिंट होगा तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा, ये चुभेगा और ये 1000 गुना उससे अच्छा लगेगा। अब क्लाइंट ने आपको दे दिया UI डिजाइन, आपको पोस्टर या कुछ भी, उसने कहा बनाकर भेज दो। अब हमें तो सारे कलर अच्छे लगते हैं ना, बच्चों को सारे कलर, ग्रीन, ब्लू, येलो, उनको आप ड्राइंग के लिए तो सारे कलर यूज करते हैं। तो जो न्यू भी है उसने भी कुछ ये यूज किया, उसका लोगो ये था, देन उसने
ग्रीन भी यूज कर लिया, पर्पल भी यूज कर लिया, उसने टेक्स्ट में सारा का सारा ग्रेडियंट दे दिया कलर्स का, उसने टेक्स्ट यूज कर लिया येलो कलर का, अब पीछे बैकग्राउंड ऑरेंज है उसके ऊपर येलो कर दिया। जब ये वेबसाइट आप देखेंगे तो ये आपको फोन नजर ही नहीं आएगा दूर दूर तक। जैसे मैंने बात की आपको हिरार्ची की, तो हिरार्ची अगर आप उस सेंस में देखें तो आपको ये कुछ चीज नजर नहीं आएंगे दूर से। अगर आप देखेंगे तो आप जैसे वेबसाइट ऑन करेंगे, आपने ये यूआई देखी, आप ठग से बंद कर देंगे कि यार कोई पता नहीं क्या गोला गंडा बना के रख दिया, तो मुझे ये वेबसाइट विजिट ही करनी बंद कर दो। अब इसी को अगर हम उसके कलर जो उसने दिए वो यूज करते हैं तो उसके बाद थोड़ा यही हो जाता है। अब देखें इसके लोगों का मैंने कलर यहाँ यूज कर दिया सबसे ऊपर, ये मैंने व्हाइट एरे कर दिया, जो टेक्स्ट था वो मैंने व्हाइट में रख दिया, ये व्हाइट कर दिया, ये ग्रे कर दिया, आइकन जो है इसके लोगो कलर के हिसाब से रख दिया, बैकग्राउंड मैंने व्हाइट रख दिया, और ये सिंपल से कलर यूज कर लिया इसको देखते हुए कि जो अच्छे लगे। अब आप ये देखें और ये देखें, अब यहाँ जो विजिट करेगा और देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा, हाँ एक प्रोफेशनल बंदे ने वेबसाइट बनाई है, ये डिजाइन बनाया है। अब देखते हैं कि आगे उसे कैसे देखने के दिन देखना, अगर इस तरह बनाएंगे तो वो जब उसे ओपन करेगा वेबसाइट पे आएगा और आके भाग जाएगा कि भाई पता नहीं क्या बना के भेज दिया, तो यहाँ से तो भागो। और अगर ये देखेगा तो हाँ उसका दिल भी करेगा कि हाँ मैं आगे देखूंगा वेबसाइट में और क्या क्या चीजें उन्होंने ऐड की हुई है। तो जब भी अपना डिजाइन यूज कर रहे हैं कलर सेंस देखिएगा कौन से यूज हो रहे हैं, कलर आपको नॉर्मली क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है, अगर प्रोवाइड नहीं भी करता तो आप उससे लोगो मांग लीजिएगा, जो उसके लोगो में कलर हो उनको प्रॉपर यूज कीजिएगा। मतलब यहाँ उसने कलरफुल बना दिया पर अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा गोला गंडा बना दिया है और बुरा लग रहा है। इसने क्या किया है कि इसने बैकग्राउंड जो व्हाइट रखा, अब बैकग्राउंड व्हाइट रखने के बाद इसने यहाँ पर कलरफुल जो जो वो थे शेप से वो यूज किए हैं, या फिर सर्कल यूज कर लिया, या फिर तो या एक उनसे स्केच बना ली। तो लाजमी नहीं है कि आप कलरफुल यूज नहीं करेंगे, अगर जहां अच्छा लगता है बैकग्राउंड पे वहां कलरफुल यूज कर लें, जहां अच्छा नहीं लगता वहां कलरफुल मत यूज कीजिएगा, जस्ट लाइक ये, वरना ये कुछ ऐसा बन जाएगा पूरा पूरा। इसी तरह एक विजिटिंग कार्ड है, अब उसने क्लाइंट ने आपको लोगो प्रोवाइड कर दिया, ये उसने लोगो प्रोवाइड कर दिया, उसने आपको कलर बता दिया कि ये उसके कलर है 1 2 3, आपके पास कलर आ गए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूटिलाइज करें उस कलर को। अब मैंने क्या किया, सिंपल इनका जो मेन डार्क कलर था वो उठा के मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके मैंने व्हाइट कलर से यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। अब इससे हुआ क्या, जब भी मैं विजिटिंग कार्ड किसी को दूंगा या दिखाऊंगा स्क्रीन पे तो सबसे पहले उसकी नजर जाएगी यहाँ पर, और अगर यही मैं ब्लू यूज कर देता, अगर मैं ग्रीन यूज कर देता तो उसका पूरे के पूरे कलर का लेआउट आउट हो जाता, उसके लोगो के कलर आउट हो जाते, लोगो कुछ और चीज बता रहा होता, डिजाइन एलिमेंट कुछ और चीज बता रहा होता। तो ये कुछ चीजें हैं वो आपको लाजमी देखकर फिर अपना डिजाइन बनाना है। तो हमेशा जो भी आपके कलर्स होंगे वो आप राइट चूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ कलर तक, कोई कंफ्यूजन कलर तक, सॉफ्ट लुक ना, कोई कंफ्यूजन कलर तक। अभी इसकी काफी और लंबी बहस है, अगर हम वो करने बैठ गए तो हमारी 3 घंटे की क्लास भी करनी चाहिए, तो मैंने काफी उसमें से ना समरी निकाल के पेश किए जस्ट।